टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, अ गुड स्पीकर स्टार्ट टॉपिक फ्रॉम ग्राउंड टू हाई इन अ सीक्वेंस विद फैक्ट एंड फिगर स्टोरीज हिस्टोरिकल इंसिडेंट एक्सेट्रा। एक अच्छा स्पीकर जो होता है वो अपनी स्पीच को ग्राउंड से हाई पे ले जाता है। ग्राउंड से हाई पे मतलब बेसिक से स्टार्ट करता है और टॉप तक लेके जाता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी हम अपने ब्राह्मण फैमिली में देखते हैं जगदीश भाई जी के साथ। जगदीश भाई जी किसी भी टॉपिक को ग्राउंड से उठाते थे और टॉप लेवल तक लेके जाते थे, तो एक अच्छी स्पीकर की क्वालिटीज होती थी। और स्पीच में वो फैक्ट एंड फिगर रखते हैं, किसी भी टॉपिक को जिसके बारे में स्पीच कर रहे हैं फैक्ट एंड फिगर रखते हैं, स्टोरीज रखते हैं, हिस्टोरिकल इंसिडेंट रखते हैं, है ना। जैसे अगर मैं अपनी स्पीच में सुनाऊँ तो अगर मैंने अब्दुल कलाम जी का कोई इंसिडेंट ले लिया कि वो इतने अच्छे स्पीकर थे, उन्होंने शरीर भी छोड़ा स्पीच देते देते, मतलब कोई भी एक मैंने अगर इंसिडेंट लिया तो वो पब्लिक को एक क्रिएटिव और अट्रैक्टिव लगता है, और पब्लिक का इंटेंशन आपके ऊपर कंटिन्यूसली रहता है। उसको ऐसा नहीं लगता कि मुझे बोर लग रहा है या ये क्या सुना रहा है बार बार, ऐसा नहीं लगता। तो ये चीज है। फोर्थ है, अ गुड स्पीकर विल स्पीक एज पर द पब्लिक रिस्पॉन्स, ही विल नॉट लाइक बी रट्टा स्पीकर। एक जो अच्छा स्पीकर होता है वो हमेशा पब्लिक के रिस्पॉन्स के हिसाब से स्पीच की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, वो रटा हुआ स्पीच नहीं देता फिर से। अब मान लो आपने आपने कोई सी स्टोरी आप पढ़ के आए हो, ठीक है, और आपने सोचा कि मैं अपनी स्पीच में ये स्टोरी सुनाऊंगा, मैं एक स्कूल में स्पीच देने जा रहा हूँ। आपको ये नहीं बताया गया है कि आपके सामने कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे बैठेंगे, सिक्स से लेके ट्वेल्व तक का बोला है लेकिन ऐसा नहीं बताया, ठीक है। और आपने जो स्टोरी प्रिपेयर की वो थोड़े छोटे बच्चों के लेवल की है, सिक्स टू एट तक, और आप जैसे ही स्कूल में जाते हो आपके सामने इलेवन ट्वेल्व के ही बच्चे बैठे हुए, सिक्स टू एट तक के नहीं बैठे हुए। अब आपने जो स्टोरी पढ़ के अगर आप वही स्टोरी सुनाओगे तो आपकी वहाँ पे बेइज्जती होगी, क्योंकि वो स्टोरी का जो अंडरस्टैंडिंग या एंटरटेनिंग लेवल था वो सिक्स टू एट तक के बच्चों के लिए ही था। आप इलेवन ट्वेल्व को जबरदस्ती वो सुना रहे हो क्योंकि आप रट के आए हो, मतलब आप एक अच्छे स्पीकर नहीं है। आपको अपनी स्टोरी या अपने वर्ड्स को उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्विस्ट करना हो। सेकेंड, उनके रिस्पॉन्स को देखना होगा। अगर वो बोर हो रहे हैं आपकी स्पीच से, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर पेशेंस पावर नहीं होता, तो आप अपने स्पीच जैसा रट के आए वैसा ना देखे, कुछ बेटर उसको साथ साथ ही इनोवेटिव कर दे। वो अगेन आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो सामने से रिस्पॉन्स नहीं देंगे, और रिस्पॉन्स नहीं देंगे इधर उधर देखेंगे तो आप खुद डीमोटिवेट हो जाएंगे। आप उनको स्पीच देने गए और आप खुद डीमोटिवेट हो जाएंगे उनके रिएक्शन से, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आएगा तो एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा। एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा तो आपकी एनर्जी उन तक पहुंचेगी नहीं। फिर आप कुछ भी बोलो, आपकी एनर्जी जब उन तक नहीं पहुंचेगी तो बूस्टअप नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं है। नंबर फाइव है, अ गुड स्पीकर नेवर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ गिवन टॉपिक बिकॉज ही हैज सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द टॉपिक टू प्ले विद इन द बाउंड्री। एक अच्छा स्पीकर होता है वो कभी भी अपने टॉपिक का बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसको उस टॉपिक का सफिशियंट ह्यूज नॉलेज पता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी गांव में प्रदर्शनी समझाने गए और हम तीन भाई हैं, मैंने बोला भाई ए ए न, एक्स एक्स भाई है ये आत्मा समझाएगा, वाई है परमात्मा समझाएगा, और जेड है कर्मों की गति समझाएगा, ठीक है। अब एक्स को मिला है आत्मा, उसको बोला गया आपको एक घंटा स्पीच करना है प्रदर्शनी में। अब उसने 15 मिनट में आत्मा बोल दिया। अब आत्मा का जो ज्ञान है उसके पास और कुछ बचे ही नहीं, रट्टा स्पीकर होगा वो, तो अब क्या कर रहा है वो, आत्मा के बाद तुरंत परमात्मा में स्विच कर रहा है। हम सब आत्माएं, हम सब का पिता परमात्मा, इसका मतलब उस स्पीकर ने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी। उसको दिया गया था टॉपिक आत्मा, लेकिन उसने आत्मा के बारे में सफिशियंट नॉलेज ना होने के कारण वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्पीकर अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आप बाउंड्री लाइन क्रॉस किए तो तुरंत पब्लिक या होशियार कोई व्यक्ति बैठा होगा उसके सामने आप फेल हो जाएंगे, या जिसने आपको इनवाइट किया होगा अगर वो आपसे होशियार होगा, समझता होगा चीज़ों को, तो वो आपको डिसक्वालीफाई कर देगा
you are not a good speaker because you cross the boundary line. Why you cross the boundary line? You have to speak within the boundary line. तो ये बहुत बड़ी quality है. It is the one of the biggest quality of the speaker. इसके लिए बहुत सारा knowledge चाहिए होता है हर एक field में. ठीक है, next है a good speaker will speak. A good speaker has good and simple personality dressing sense. अब आप कहीं भी स्पीच करने जा रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपकी पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस उस सभा के हिसाब से नहीं हुई तो लोगों के मन में, दिमाग में आपके प्रति नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाएगी. द मोमेंट द नेगेटिव इमेज विल बी क्रिएटेड टू द पब्लिक माइंड, योर वर्ड्स विल नॉट टच देम. अगर मेरे प्रति नेगेटिव इमेज आपके मन में आ गया तो मैं जो भी बोलूं, कितना भी अच्छा बोलूं, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे प्रति आपके अंदर नेगेटिव इमेज आ गई. तो ड्रेसिंग सेंस और पर्सनालिटी उस हिसाब से होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं और आप बिल्कुल फंकी लुक रख के जा रहे हैं तो लोग आप पे हंसेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ब्राह्मण सभागार में जा रहे हैं स्पीच देने, तो अगर आपने दाढ़ी बढ़ा के गई और आप वहाँ पे बैठ के कमेंट्री करा रहे हो, योग करा रहे हो, स्पीच दे रहे हो, तो लोग पहले ये सोचेंगे कि ये तो खुद सेविंग नहीं कहे, क्या स्पीच देगा. उनके मन में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. वो भले बैठ जाएंगे आपके रिगार्ड के लिए या जिसने उनको बुलाया है उनके रिगार्ड के लिए, लेकिन वो आपकी बातों को पचा नहीं पाएंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, अ गुड स्पीकर विल कवर द टॉपिक विद इन द लिमिट ऑफ टाइम विद ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्ड द टॉपिक. एक अच्छा स्पीकर अपनी सारी बातों को टाइम लिमिट के अंदर कवर कर देगा. अगेन, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया विद इन द बाउंड्री, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया विद इन द टाइम लिमिट. अगर मुझे दिया गया 45 मिनट और मैंने 45 मिनट से ज़्यादा स्पीच किया, इसका मतलब मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं था, क्योंकि मैंने क्या किया, जो मैं बोलना चाहता था वो मैं बोल नहीं पाया, और उसके अलावा मैं फालतू बात जब मैं बोला तो टाइम इंक्रीज हो गया और बाद में ओरिजिनल बातें मुझे याद आने लगी. जब ओरिजिनल बातें मुझे याद आने लगी तो मैं ओरिजिनल बातें बोलने लगा, और ओरिजिनल बातें बोलते बोलते मैं भूल गया कि मेरे को तो 45 मिनट ही बोलना था. तो एक अच्छा स्पीकर अपनी स्पीच को ऐसे डिलीवर करता है कि एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो पूरा समाप्त कर देता है विथ अ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. हैशटैग इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि अगर मुझे 45 मिनट में करना है, शुरू के आधे घंटे या 40 मिनट तो मैं मस्त से बोल रहा हूँ और मेरी इंफॉर्मेशन बहुत बची हुई है और 5 मिनट बचा है, अब मैं फंस गया कि मैं कैसे करूँ, तो मैं 5 मिनट में धड़ बाकी इंफॉर्मेशन को बोल दिया. आपने देखा होगा कई सारे सेंटर में ऐसे करती हैं दीदियाँ, शुरू में जब मुरलियाँ सुनाती हैं तो शुरू में तो बिल्कुल स्लो सुनाती हैं, अपना स्टोरी भरेंगी, कुछ एग्जांपल भरेंगी, और लास्ट में जब देखती 10 मिनट बचा हुआ है घड़ी को, तो इतनी स्पीड से पढ़ देंगी मुरली. अरे भाई, भगवान की मुरली है, आप इतनी स्पीड से कैसे पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना उसमें एक्स्ट्री चीज इंक्लूड किया. जब आपके पास समय था, और जब समय नहीं है तब आप उसकी जो रियल चीज है उसको फास्ट भगा रहे हो. गॉट माई पॉइंट? दैट इज द पॉइंट. वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करता हूँ, प्लीज रिस्पॉन्स. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट है, अ गुड स्पीकर विल इंटरेक्ट विद पब्लिक, इट्स नॉट वन वे, अदरवाइज पब्लिक गेट बोर्ड. अगला जो पॉइंट है, 8 नंबर का पॉइंट, कि एक अच्छा स्पीकर हमेशा पब्लिक से इंटरेक्ट करेगा. मैं आपसे अगर स्पीच कर रहा हूँ तो मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा बीच बीच में, किसी भी लेवल पे. अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो पब्लिक बोर हो जाएगी, क्योंकि हमेशा एक स्पीच टू वे होता है, ना कि वन वे. तो आपको किसी न किसी प्रकार से उनके फेस की स्माइल रिस्पॉन्स में ले सकते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. हम हमेशा कहीं भी जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक से, और वो बहुत जल्दी होना चाहिए. स्पीच स्टार्ट होने के विद इन 20-30 मिनट, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं लास्ट में इंटरेक्ट करूंगा और 45 मिनट तक आपने पब्लिक को बोर कर दिया तो बाद में इंटरेक्शन का कोई फायदा नहीं.
पब्लिक को अगले 45 मिनट तक रोक के रखने के लिए आपको बीच बीच में उनसे इंटरेक्ट करना हो। एक अच्छा स्पीकर पब्लिक को 4 घंटा भी रोक सकता है, एक अच्छा स्पीकर पब्लिक को 10 घंटा भी रोक सकता है। ये होती है स्पीकर की क्वालिटी। आप सोचो, बाबा रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मुरली चलाते थे। चलो माना कि भगवान है, लेकिन दिख तो नहीं रहे ना वो भगवान, दिख तो दादी रही है ना, साधारण तो नहीं दिख रहे ना। कोई कोई ऐसा तो नहीं है कि रूम में गुब्बारे उड़ने लगे या बादल आ गए या कुछ तेज प्रकाश फैल गया, ऐसा तो कोई जादू हुआ नहीं ना। वही साधारण संतरी, वही बाबा, वही सब कुछ है। तो लेकिन वो क्यों इतना सुनते 12 12 घंटा? क्योंकि बाबा वैसा बोलते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, हंसाते हैं, ये सब चीज। ठीक है, सिस्टर शिवानी की भी बात करें, कितना इंट्रैक्ट करती है, बीच बीच में पूछती है, इतनी बड़ी स्पीकर होगी तो। सिस्टर शिवानी को देख लो एग्जाम्पल। तो पब्लिक इंट्रैक्शन होना चाहिए। अगला, अ गुड स्पीकर विल नेवर यूज एनी नेगेटिव फ्रेज अबाउट एनी पर्सन और एनीथिंग, ही विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव आई साइट एंड अफर्मेशन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक अच्छा स्पीकर कभी भी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेगा। अगर आपने अपनी स्पीच में नेगेटिविटी किसी भी हाल में ले आए तो आप एक अच्छे स्पीकर नहीं कहलाओगे किसी भी प्रकार। मतलब मैं कैसे बताऊं आप इसको, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि वो व्यक्ति है ना, जैसे एग्जाम्पल वो व्यक्ति है ना, देखो वो उसने भगवान को नहीं पूजा तो उसके घर में आग लग गई। मतलब समझ रहे हो आप, वो व्यक्ति है ना, वो देखो वो स्पीच तो देता है लेकिन वो स्पीच देता है तो खासा बहुत है। मैं ऐसे अगर आपको बोल रहा हूँ अपनी स्पीच में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिविटी उठा रहा हूँ। ये ऐसी नहीं कि केवल व्यक्ति के बारे में, हो सकता है किसी वस्तु के बारे में भी, कि ये वाले मंदिर ना जा नहीं जाना चाहिए, इस मंदिर में जाना चाहिए, या क्रिश्चियनिटी ठीक नहीं, हिंदुइज्म ठीक है। एनी नेगेटिव अफर्मेशन विल क्रिएट अ नेगेटिव इमेज टू द पब्लिक। क्या बल्कि अगर नेगेटिविटी का किसी ने क्वेश्चन अराइज भी किया तो आपको उसको पॉजिटिव फीडबैक से रिस्पॉन्स से देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, अ गुड स्पीकर नेवर कॉपिंग द आइडिया ऑफ एनीवन, ही टुक द आइडिया एंड रेनोवेट इट बाय चर्निंग। इफ ही कॉपी द आइडिया और वर्ड्स ऑफ एनी अदर पर्सन, ही विल मेंशन दैट पर्सन नेम व्हाइल गिविंग दैट वर्ड्स आइडिया इन द स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक अच्छा स्पीकर कभी भी किसी की स्पीच या वर्ड्स कॉपी नहीं करेगा। अगर वो कॉपी भी करेगा तो उसको रिनोवेट करके, अपने आइडियाज मिक्स करके पेस्ट करेगा। अगर वो एज इट इज उसके वर्ड्स या टॉपिक कॉपी करके लोगों को बताता है तो उसको उसका नाम वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर उसने उसका नाम मेंशन नहीं किया तो वो एक चीटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दादी जानकी की कोई लाइन अभी बोलता हूँ तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि दादी जानकी हमेशा कहती हैं, और फिर मैं उनकी लाइन बोलूंगा। अगर बाय द वे कि जिस व्यक्ति के मैंने लाइन पिकअप किया, वर्ड्स पिकअप किया, अगर वो फेमस पर्सनालिटी नहीं है तो मैं उसका नाम ना लेके ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी भाई की क्लास पे हमने सुना था। इतना भी अगर आपने बोल दिया तो आप एक पॉजिटिव स्पीकर हो गए। क्यों? क्योंकि पब्लिक में से कोई भी बंदा अगर उस व्यक्ति की क्लास ऑलरेडी सुन के बैठा है या उस व्यक्ति की बात सुन के बैठा है तो उसको लगेगा देखो सच्चा व्यक्ति है, कम से कम बताया। तो अगर आपने सेम लाइन चेपी और आपने ऐसा बोला नहीं तो बोलेगा ये तो उसकी कॉपी मार रहा है, और आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ये अंदर की बात है, लोगों की भावना की बात हो रही। तो मैंने देखा है, अभी कमेंट्री सेशन भी हुआ था, कई एज इट इज कॉपी करते हैं। मैंने कई बार समझाया एज इट इज कॉपी ना करो, और कर रहे हो तो पब्लिक को बताओ कि भाई मैं फलाने व्यक्ति की कमेंट्री करवा रहा हूँ, ताकि पब्लिक जब इम्प्रेस होए तो वो आपकी छवि से इम्प्रेस ना होके जिस व्यक्ति की छवि को आपने कॉपी किया उससे इम्प्रेस हो। इट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्पीकर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेंशन करना होगा। इवन सूरज भाई जैसे स्पीकर भी मेंशन करते हैं कि एक बार जगदीश भाई ने हमारी क्लास में ये कहा था, और फिर उस लाइन को पिकअप करते हैं। डू यू नो दैट्स द लॉजिक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ गुड स्पीकर विल फोकस्ड ऑब्जर्वर। एक अच्छा स्पीकर एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होगा।
ऑब्जर्व करना मतलब आप लोगों की बात करने का टेक्निक, बोलने का टेक्निक, दुनिया, दुकानदारी, दुनिया, मंदिर, मस्जिद, हर चीज को ऑब्जर्व कर दो, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर बिगेस्ट थिंग इन द लाइफ। कपिल शर्मा इतनी अच्छी कॉमेडी स्टैंड अप करता है, हर कोई क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर कोई अंदर से ऐसा पैदा नहीं होता है, उसने जरूर इतनी चीजों को ऑब्जर्व किया, इसलिए उसके अंदर आया कि वो किसी का भी हंसी उड़ा सकता है और किसी को भी कैसे भी मोल्ड करके हंस सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्वर नहीं होंगे तो फिर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज नहीं, ठीक है। ऑब्जर्वर में पॉजिटिव ऑब्जर्वर, ये नहीं कि आप कुछ गलत ऑब्जर्व कर रहे हो, बिकॉज इट इज स्पीकिंग क्वालिटी। अगला है, अ गुड स्पीकर शुड वेरी हम्बल एंड पोलाइट। आपके बोलने का तरीका बहुत हम्बल और पोलाइट होना चाहिए। अगर आपके अंदर एक भी ईगोइस्टिक वर्ड्स आ रहे हैं या ईगो जैसा अगर आप शो कर रहे हैं तो लोग आपको नहीं सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने मेरे माइंड पर अभी जस्ट क्लिक की। देखो, मैं अगेन आपको सेंस ऑफ ह्यूमर की बात बोलता हूँ, समय भी कम है और मुझे बहुत कुछ क्योंकि बताना है अभी, तो कई सारे लाइन्स हैं। कि मैं एक बार संदीप महेश्वरी का ज्ञान काल में मैं स्पीच सुन रहा था, तो संदीप महेश्वरी ने क्या बात बोली उस समय कि मैं विपासना गया और विपासना में 10 दिन का कोर्स किया, वो लोग कोर्स करा रहे थे और मैं अपनी आंतरिक दुनिया में खोया हुआ अपने आप से सीख रहा था, मैंने उनका कोई भी कोर्स मेडिटेशन सुना नहीं। दैट इज द नेगेटिव वे ऑफ द स्पीकिंग एंड इगोइस्टिक वे ऑफ स्पीकिंग। और भाई, जिस संस्था से, जिस जगह से आपने 10 दिन मेडिटेशन सीख के आप आए और जहां से आपने पॉजिटिविटी सीख के, आप उसकी बुराई कर रहे हो इनडायरेक्टली, कि आप ईगो ही दिखा रहे हो ना, कि मैं वहां गया तो था लेकिन मैं उनका कुछ नहीं सीखा, मैं अपने आंतरिक दुनिया में खोया हुआ था, भले वे बाहर से कुछ भी करा रहे थे। दैट इज कॉल्ड द ईगो। तो मेरे माइंड पर क्लिक किया, इस वजह से मैंने आपको बताया, इस प्रकार की चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी हम्बल एंड पोलाइट। अगला, अ गुड स्पीकर विल बी अ गुड लर्नर फ्रॉम मेनी रिसोर्सेज लाइक टीवी स्टार्स, रिलीजियस पर्सन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक अच्छा स्पीकर सबसे लर्न करते हैं, खास करके टीवी स्टार्स, रिलीजियस पर्सन, ऐसे ऐसे लोगों को सुनता है। तो सुनने से क्या होता है, उसकी स्पीकिंग क्वालिटी इनहेंस होती है। अ गुड स्पीकर डू वर्कशॉप टू बेटर इंट्रक्शन। आपकी स्पीच में वर्कशॉप मस्ट होना चाहिए और खासकर आजकल तो वर्कशॉप कंपलसरी होना चाहिए। बिना वर्कशॉप के केवल स्पीच में क्या होता है, लोगों को लगता है अरे यार वही स्पीच, वही क्लास, वही चीज है। नहीं, अब जैसे आपको मजा आ रहा है, आपने अभी भर्ती किया, अभी आज आप ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हो, आपको मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वर्कशॉप टाइप का है, ये कोई स्पीच नहीं है, ये एक वर्कशॉप जैसा है। तो वर्कशॉप लोगों को पसंद है, स्पीच से लोग बहुत रिसोर्सेस है उनके पास, तो वर्कशॉप शुड बी देयर। ओके, अ गुड स्पीकर, सॉरी, A good speaker will creative and he will be service minded, not money minded. एक अच्छा स्पीकर क्रिएटिव होना चाहिए और सर्विस माइंडेड होना चाहिए, मनी माइंडेड। अगर कोई भी व्यक्ति मनी माइंडेड होगा तो कभी भी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, क्योंकि पैसा कमाने वाला व्यक्ति क्या करता है ना, अपना समय बाकी चीजों में नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जिसके दिमाग में पैसा समा गया, वो कभी भी एक समाज सेवा नहीं करते, क्योंकि उसके लिए समय देना पड़ता है और समय वही देगा जिसके माइंड में मनी की बस उतनी औकात होगी जितना एक गाड़ी में पेट्रोल की होती, ठीक है ना। ये लाइन पिकअप की है संदीप महेश्वरी की, बहुत पहले की। तो ये है कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है, ही विल नॉट रिपीट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, ही विल बी नेचुरल, नॉट ओवर रिएक्ट। ये देखो, पहला, ही विल नॉट रिपीट द सेम थिंग्स। कई बार देखना, कई लोग अपनी स्पीच में बार बार एक ही चीज को बोलते रहते हैं, बार बार। क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि उसके पास ज्यादा ज्ञान है ही नहीं। अगर ज्यादा ज्ञान होता तो एक ही बात को वो बार बार नहीं बोलता। एक ही बात को अगर आप बार बार अपनी स्पीच में बोलेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, पक्की बात है। और दूसरा, ओवर रिएक्टिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत नेचुरल होना चाहिए। भले आपका मदर टंग उसमें आप ऐसा ना हो कि आपका एक्सेंट तो मदर टंग तो कुछ और है और आप बोल रहे हैं अंग्रेजी झाड़ रहे हैं,
या आप अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं या दूसरे स्टेट के एक्सेंट में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक अ वेरी नेचुरल, यू नो, इट लुक्स लाइक वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल। अगर वो थोड़ा भी ओवर रिएक्टिंग लगा तो लोग फिर आपकी हंसी उड़ाएंगे, ठीक है। हंसी उड़ाने इन द सेंस सामने नहीं बोलते, लेकिन माइंड में नेगेटिव इमेज बनती है। अगला, स्पीड विल बी अप्रोप्रिएट विथ एडजस्टेबल वॉल्यूम एंड इमोशंस। आपकी स्पीच क्वालिटी की जो स्पीड होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत धीरे बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट बोल रहे हो। पॉज ले लेके अगर आप बोलोगे तो आप एक अच्छे स्पीकर कहलाओगे, है ना। जैसे दादी जानकी हमेशा बहुत पॉज लेके बोलती है, क्योंकि पॉज लेके बोलने से क्या होता है, आपको जो आगे क्या बोलना वो टच हो जाता है, और जल्दी जल्दी में आप कुछ ऐसा भी बोल देते हैं कभी जो नहीं बोलना होता है। तो पॉज लेके बोलने से क्या होता है कि आप कभी भी गलत नहीं बोलते, लेकिन बहुत भी पॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और वॉल्यूम आपका एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब जब आप जोश की बात करें वॉल्यूम ज्यादा हो, जब आप नम्रचित्त होके कुछ ऐसी इंसिडेंट की बात करें वॉल्यूम कम हो जाए, है ना। और इमोशंस भरी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से, जैसे दादी जानकी देखो कभी बहुत तेज बोलेगी मेरा बाबा मीठा बाबा, कभी स्लो बोलेगी। जगदीश भाई की क्लास सुनना, जब वो कुछ रूड तरीके से बोलते हैं, मतलब एज अ लाइक यू नो हार्ड ज्ञान जैसा देते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है टोन, और जब सॉफ्ट बात करते हैं योग की तो टोन अलग होती है, सेम स्पीच में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एडजस्ट द वॉल्यूम एंड टू बी वेरी अप्रोप्रिएट स्पीच, नॉट मच फास्ट, नॉट मच स्लो। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटी बताई, और इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ओके, ये देखो। हाँ, अगला जो है वो हमारा, इसमें एक बस मैंने एक स्लोगन लिखा था, किसी किन्हीं भाई जी से सीखा था। हाँ, ये पॉइंट, बोलो ऐसा कि सुनने वाला परिवर्तन हो जाए। तो एक स्पीकर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, ऐसा वो बोलता है कि सुनने वाले के दिल में वो चुभ जाए और वो चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए। टाइम को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, राइटर क्वालिटी, ठीक है। अब देखो इस चित्र में अगर आप देखो तो राइटर जो है, मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूँ राइटर कैसे होता है। ये जो बंदा है जो टाइप कर रहा है या राइटर है, ये एक बल्ब को, एक प्रकाश को विजुअलाइज कर रहा है। चित्र से हमें क्या समझ में आ रहा है कि राइटर जो होता है वो दृश्य को देखता है। फिर से, जो एक लिखने वाला है वो चीजों को चित्रों के रूप में देखता है। इसका मतलब एक राइटर वही बन सकता है जो चीजों को देखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बुक लिखनी है हॉर्स के ऊपर, हॉर्स राइडिंग के ऊपर, तो मुझे वो हॉर्स राइडिंग चित्रों में दिखना चाहिए माइंड के अंदर। मुझे हर चीज में, मैं जैसे मान लो पांडव भवन में वॉक कर रहा हूँ, तो मुझे पांडव भवन की गलियार आंगन में भी वो घोड़े दौड़ते हुए दिखने चाहिए। जब वैसी मुझे चीजें दिखेंगी, पिक्टोरियल व्यू दिखेंगी, तो ही मैं एक अच्छा राइटर बन सकता। क्योंकि तो राइटर मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप सोच सोच के लिखो, ऐसा कुछ नहीं। राइटर मतलब आपके अंदर वो चीजें आ रही, पैशन। तो ये एक राइटर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इसलिए हमने इस पिक्चर को उठाया। शॉर्ट में करते हैं, अ गुड राइटर विल हैव अ चर्निंग कैपेसिटी। जिसके अंदर मनन शक्ति होगी वही एक राइटर बन सकता है, ठीक है। अगर आपके अंदर मनन शक्ति नहीं है तो, कैपेसिटी नहीं है तो राइटर नहीं बन सकता। उसके लिए चाहिए धैर्यता, क्योंकि धैर्यता से ही मनन शक्ति आती है, और धैर्यता के लिए चाहिए सहन शक्ति। क्योंकि जब आप बैठेंगे अकेले में एकांत में मनन करने, तो धैर्यता चाहिए, और धैर्य, मन मन को धैर्य होने के लिए मन की शैतानी को सहन करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है ना, वो जब शोर करता है, शैतानी करता है, तो आपको सहन करना पड़ेगा। सहन करोगे तभी वो कंट्रोल में है। तो वैसे ही हमारा मन। अगला है, अ गुड राइटर विल सॉलिट्यूड एंड साइलेंस लवर। एक अच्छा राइटर होता है वो एकांत प्रिय होता है और मौन प्रिय होता है ना। मौन मतलब चीजों को वो अपने आंतरिक मन में खोया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं सोचना,
लेकिन बाहरी दुनिया से मौन। तीसरा है गुड राइटर राइट एक्यूरेट एंड इन शॉर्ट द आइडियाज। एक अच्छा राइटर एक्यूरेट और शॉर्ट में लिखता है, वही वाली बात, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं, शॉर्ट में। अगला ही विल यूज एक्यूरेट हिंदी और इंग्लिश, और उसकी भाषा जो होगी ना वो एक्यूरेट होगी, कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आप कैसी भी भाषा लिखोगे तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे, भाषा अच्छी होनी चाहिए। और भाषा अच्छी कब होगी, जब आप बहुत सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, तब आपकी भाषा में वो बोलते हैं ना, एक एसेंस आएगा, एक स्वाद आएगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सेवा मंत्रण है, बहुत सारे बुक्स हैं, पढ़ेंगे तो आपको भाषा का ज्ञान होते जाएंगे। अगला है सीक्वेंस ऑफ राइटिंग मस्ट बी एक्यूरेट। सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट है कि किस सीक्वेंस में लिखना है। जैसे अपना कैसे बोलते हैं, मेरा नाम ये है, मैं फलाने गांव से हूँ और मैं फलाना काम करता हूँ, सीक्वेंस है ना। ऐसा तो नहीं आप बोलेंगे कि मैं फलाना काम करता हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा नाम, उल्टा फुल्टा तो नहीं बोलेंगे, एक सीक्वेंस से बोलेंगे ना। तो इसी प्रकार राइटिंग भी एक सीक्वेंस, एक किताब ले लो, किताब में क्या होता है, सीक्वेंस होता है। 7 days कोर्स ले लो, पहले आत्मा है ना, फिर परमात्मा है ना। ऐसा तो नहीं पहले है परमात्मा है, फिर ये है, फिर आत्मा, नहीं ना। कोई चीज सीक्वेंस अच्छी लगती है तो सीक्वेंस से लिखने के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा कि आगे पीछे कौन सा सेट करूं तो बेटर लगे। अगला ही यूज कॉलम मेथड, डायग्राम, डिफरेंट कलर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो उसको ज्यादा अट्रैक्टिव करना है तो उसमें चित्र ले लो, अलग अलग कलर में लिख लो और उसको एक कॉलम मेथड में ले लो। जैसे नहीं क्या एरोज नहीं बने रहते, 1, 2, 3, 5 और एरोज में फिर हाईलाइट होते हैं, गोले या त्रिकोण होते हैं, ऐसे चीजों को अगर लेंगे। और अगला है लास्ट, बेस्ट टाइटल्स अट्रैक्टिव हिंट। और जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उसका जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक ही चीज के कई सारे टाइटल हो सकते हैं। जैसे आज का जो मेरा सेशन था, इसको मैंने बोला बीइंग अ गुड स्पीकर एंकर और राइटर। ये एक नॉर्मल सा टाइटल मैंने रैंडमली पुट अप कर दिया उस दिन, क्योंकि समय चाहिए ना हर चीज को सोचने के लिए और वो तुरंत हो जाए नहीं ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन मैंने रैंडमली क्या पिक कर लिया, हो सकता है इसको मैं और बेटर दे सकता। तो जब आप बेटर देंगे ना तो लोग उसको जब पढ़ेंगे ना तो उनको अट्रैक्टिव लगता है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। अगला इसमें एक स्लोगन इसमें भी लिखा हुआ है, लिखो ऐसा कि लिखत तुम्हारी अमर हो जाए, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लिखना है कि हमारी लिखत, बताता हूँ, जैसे पल कि आपने जो नए गाने होते हैं ना, न्यू सॉन्ग, आप देखना कुछ दिन लोग सुनते हैं उसके बाद वो गाने भूल जाते हैं, और जो पुराने गाने होते हैं ना, आज सुनो, पहले सुनते थे, 50 साल बाद सुनो, वही फीलिंग आती है, वही उमंग उत्साह है। क्यों? क्योंकि वो अमर सॉन्ग है, वो मर नहीं सकता। और आजकल के गाने देखो बस मर जाते हैं 1-2 महीने में। ऐसी हमारी लिखत हो, जगदीश भाई की बुक देखो, आज अगर आप पढ़ोगे तो भी उतना ही मजा आएगा, 10 साल बाद पढ़ोगे तो भी उतना ही मजा आएगा, बार बार पढ़ोगे तो भी उतनी मजा आएगा। बाबा की मुरली देख लो, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगला है हाउ टू बी अ एंकर, एक एंकर क्वालिटी। इसमें देखो एक फिगर में मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा था कि माइक देखो कैसे होल्ड किया हुआ, तो एक एंकर की ये भी क्वालिटी को माइक कैसे पकड़ते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक फिगर आ गया इसलिए रेंडमली बताया, बाकी इसका कोई वो रोल नहीं, बाकी आपके जेस्चर्स, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज है। तो इसको शॉर्ट में हम करते हैं फटाफट, विद इन 5 मिनट में कुछ 10 पॉइंट्स हैं इसमें। अ गुड एंकर विल गिव द इंट्रो, लंबा खींच सकते हैं लेकिन क्योंकि हमने स्टार्ट भी 10 मिनट लेट से ही किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर भी करते हैं तो अभी स्टार्ट करते हैं। अ गुड एंकर विल गिव द इंट्रो ऑफ द स्पीकर टॉपिक विद फुल एंथुसियाज्म, सो पब्लिक विल बी वेरी अट्रैक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा। एक अच्छा एंकर जिस स्पीकर का इंट्रोडक्शन वो देने वाला है या किसी टॉपिक का, बहुत ही उमंग उत्साह और भर भर के वो देगा, तभी पब्लिक उसको सुनना चाहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पीच करने आ रहा है, मान लो सूरज भाई,
और एक बहुत बड़े सभा में मैंने बोला, हाँ ये है राजयोगी सूरज भाई और ये आज हमें इस टॉपिक में क्लास कराएंगे, इन्होंने इतने साल से योग को जीवन में साधा है। बस हो गया। इसमें क्या है, पब्लिक का अटेंशन इतना नहीं होगा, हर चीज में भपका चाहिए। बाबा ने मुरली में भी कहा, बच्चे भपके से समझाओ। तो कहने का मतलब ये, अगर मैं उसको और जोर शोर से बोलूं, सूरज भाई लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन किया और ये वो, और नेचुरल भी होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि लोगों के होश उड़ जाए कि मतलब ऐसा बता दे इन्होंने बहुत बड़ा जादू कर दिया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना अच्छे से वो, जैसे दादियां आप देखते हो जब दादियां स्पीच करने जाती है तो वो नहीं, क्या वो म्यूजिक बजता है जिजिंग जिजिंग, मतलब अजीब सा। तो क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव बनाता है। जिसका ध्यान नहीं भी रहेगा ना, अगर कोई टॉयलेट करना भी गया रहेगा ना, तो जल्दी जल्दी करके दौड़ के आएगा भी, दादी बोलने वाली क्या बोलेगी, क्योंकि वो वैसा माहौल क्रिएट किया जाता है। आपको पता है दादियां या कोई भी, जब बड़े लोग जब टोल से गुजरते हैं तो टोल में ऐसे रुकते नहीं है और 10-10 गाड़ियां एकदम सायरन मारते हुए निकलती है। वो भपका वो एक पर्सनालिटी को फ्रंट में रखने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अभी आप देखते होंगे तो पीस ऑफ माइंड और हर जगह दादी गुलजार की क्लासेस आ रही है, क्योंकि वो अब चीफ बन चुकी है, तो उनको हमें वैसा प्रदर्शित करना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहते हम उनको कोई प्रत्यक्ष करें, लेकिन हम ब्रह्मा कुमारी इसकी चीफ को प्रत्यक्ष कर रहे हैं दुनिया के सामने, एक वो सीट को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप स्पीकर की सीट को आप सैल्यूट मार रहे हो ताकि लोग उसको सुने। ठीक है, इसमें बहुत विस्तार है, बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अगला है, अ गुड एंकर विल हैव अ बैकग्राउंड रिसर्च ऑफ स्पीकर इंटरव्यू एंड पैनल्स, है ना। पैनल हो सकते हैं, अगर आप तो एक एंकर हो तो आपके सामने इंटरव्यू हो सकते हैं जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, या स्पीकर हो सकते हैं, आपके पास उसके बारे में हिस्ट्री होनी चाहिए, रिसर्च किया हुआ होना चाहिए कि क्या है उसकी लाइफ स्टाइल, उसका बोलने का तरीका, कैसे उसने लोगों को परिवर्तन किया, उसका उसकी क्वालिफिकेशन, ताकि आप प्रॉपर उसको बोल सको। ऐसा नहीं हो कि आपने रट लिया, ना, एनालिसिस होना चाहिए, है ना। जैसे लास्ट टाइम ही बताया कि भाई मैंने एक दीदी का इंटरव्यू लिया या क्वेश्चन पूछा, तो अब जैसे सैंडी भाई ने मुझे बता दिया कि दीदी बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन कराती है जो भी कुमार जाता है, तो मेरे सेंस में वो फिट हो गया कि ये लाइन मुझे वहां पे बोलनी है, क्योंकि एक जनरल चीज है वो, लेकिन वो इम्पैक्ट डालती। तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगला है, ही विल बी अ टाइम कॉन्शियस। हमेशा एक एंकर टाइम कॉन्शियस होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी कर रहे हैं, ना कि भाई आपने सोचा कि रोहित भाई आएंगे बोलने और 5 मिनट में उनको इंट्रोड्यूस करने, तो ऐसा नहीं हो कि आप 15 मिनट खुद ले लिए और रोहित भाई 9:15 में स्टार्ट कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी टाइम कॉन्शियस आप होनी चाहिए, ताकि आपकी वजह से दूसरे का लॉस ना, है ना, आपको बहुत एक्यूरेट हो। अगला है, ही विल आस्क क्वेश्चन वेरी पोलाइटली एंड विद कीन इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेन बिफोर एंड आफ्टर द क्वेश्चन इन शॉर्ट एज पर आंसर एंड क्वेश्चन। आप अगर किसी भी स्पीकर से, पैनल से क्वेश्चन करें तो बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पूछें। ऐसा ना हो कि दीदी या जी आपसे हम प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न है और हम आपसे करते हैं, उसको ऐसा ना लगे कि इस प्रश्न में आपको इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे ने पूछा और आपने जस्ट उसको वहां पे पेस्ट कर दिया, ऐसा ना। आप उसको इतना इंटरेस्टिंग वे में पेस करो कि उसको ऐसा फील हो कि यार क्वेश्चन तो किसी और का है लेकिन इसको जानने की ज्यादा इच्छा, तो ये वाला जब माहौल क्रिएट होगा ना, तब उसको आंसर देने में उतना ही मजा आएगा। और आप साधारण क्वेश्चन पूछो, हाँ, और क्वेश्चन पूछने के पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो कि जैसे आजकल हम देखते हैं युवा ऐसे हो रहे हैं, तो युवाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ऐसे एक एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन पुटअप हो ताकि वो लिंक बने, और क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उसको अप्रेस करके, प्रेस करके थोड़ा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन लिंक में होना चाहिए, ऐसा नहीं अभी आपने किसी से, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण जीवन की दुनिया में हर प्रकार की स्पीच और एंकरिंग होती है, लेकिन हाँ चूंकि हम ब्राह्मण जीवन में हैं तो मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑन द वे दे देता हूँ। ऐसा ना हो कि आपने अभी पूछा, हाँ भाई अमृत वेला उठने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपने एक प्रश्न पूछा, उसने उत्तर दिया, फिर अगले दिन अगले प्रश्न में आपने पूछा क्या खाएं हम ऐसा रात को कि अमृत वेला अच्छा हो। अरे भाई अमृत वेला का अभी क्वेश्चन हुआ है, अभी कोई और क्वेश्चन पूछ लो ना, मतलब लिंक
अलग अलग हो, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ना मिले। आज अब अभी अब अमृत वेला का क्वेश्चन पूछा तो अगला क्वेश्चन आत्मा का, तीसरा क्वेश्चन कर्मों की गुह गति का, ठीक है। और दूसरा और है 3 पॉइंट, ही शुड हैव अ गुड आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट। हाँ रुपेश भाई जी इज अवश्यम एंकर, जी, इसलिए मैंने वही चीज डिफाइन किया कि अगर वो जिस वक्त एंकर बन रहे थे उस वक्त आप उनको फॉलो किए होते तो दिक्कत होती, नाउ यू कैन फॉलो हिम। आई जस्ट यू नो वर्ड्स स्पीक फ्रॉम माय माउथ, इट स्लैप्ड एक्चुअली। तो मैंने वही आपको कह रहा था कि जो सीख ही रहे बंदा उसको आप फॉलो नहीं कर सकते। ही कैन हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ पुलिंग पब्लिक स्पीकर्स टाइम एंड अटेंशन, ठीक है ओके। अब इसमें क्या है, अगर मान लो आप एंकर हो और आपका जो स्पीकर है वो लेट आया है ना, आधा घंटा या 15 मिनट लेट आया, तो ऐसा ना हो कि आप पब्लिक वेट कर रही है, आप आ गए और आप सोच रहे यार अभी तक स्पीकर नहीं आया, मैं तो फंस गया, मैं क्या करूं, मैं तो रट के आया था, और पब्लिक सुन रही है और आप बोले, आप पब्लिक को बोलते हो अभी वेट करना भाई साहब आ रहे, मतलब अपने लैंग्वेज में। ऐसा नहीं चलता भाई, आपको इंटरटेन करके उनका मूड को रिफ्रेश रखना पड़ेगा। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि अभी स्पीकर नहीं आया, अगर उनको ये फील हो गया और वो भागे, एक भी बंदा वहां से उठ के गया, लीव किया अगर मीटिंग, इसका मतलब आप जिम्मेवार। आपको इंटरटेन करते रहना है जब तक स्पीकर ना आए, और स्पीकर आने के बाद भी इतना ही उमंग उत्साह के साथ उसका स्वागत करना था आज हमारे बीच, और इतने समय से इंतजार करने के बाद आखिर वो पल आ गया, ऐसे ऐसे ना हो कि आप फ्रस्ट्रेशन मूड में बोल रहे हो कि यार आप तो लेट आए हो अभी ये लो कर लो, ऐसा ना हो, ठीक है। उससे क्या होता है, मजा नहीं आता, उसकी फिर नेगेटिव इमेज बनेगी। अगला, ही विल हैव बेटर ड्रेसिंग एंड एक्सेसरीज एज पर फंक्शन, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। और एसेसरीज में क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आप देखे होंगे दादी जानकी का मान लो बर्थडे और आप एंकरिंग कर रहे हैं, एक एक वो लगा लो, साफा लगा लो सिर पे, एक एसेसरीज है ना ये, जो उस माहौल के हिसाब से शूट करेगा। मान लो आप किसी डांस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हो तो एक चुन्नी लगा लो कमर में, कहने का मतलब ये ड्रेसिंग और एसेसरीज अगर आप उस हिसाब से कर सकते हो तो बेस्ट है। He will have capability to start topic explanation before giving it to the speaker and capability to sum up the topic with vote of thanks. तो दो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक स्पीकर को देने से पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बोल दे, ऐसा ना हो कि भाई स्पीकर को तो आप टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हो और आपको उस टॉपिक का एबीसीटी ना मालूम हो। थोड़ा सा बोलते हैं कि आजकल के युवाओं को देखते हुए और युवा दिवस भी चुकी चल रहा है और मोदी जी भी चुकी युवाओं को बहुत आगे रखते हैं, युवाओं में इतनी एनर्जी होती है तो हम ये युवा का ये टॉपिक लेते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके। और जब उस स्पीकर ने पूरा बोल लिया तो आपको वो स्पीच ध्यान से सुनना है, और लास्ट में जब आप वोट ऑफ थैंक्स देते हैं तो सम अप करते हुए देना है कि आज जो आपने बताया और ये बात कही और आपने जिस तरीके से वो स्टोरी सुनाई और वो एग्जांपल दिया, वो ताकि उसको लगे अरे वाह यार मेरा स्पीच तो इतना सुना गया है। मतलब आप पब्लिक पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीकर के सामने और स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक के सामने, आप इकलौते ऐसे हैं जो पूरी पब्लिक की भावना स्पीकर को बोल रहे हैं और स्पीकर की भावना पब्लिक को बोल रहे हैं, दलाल जैसा है ना। तो बहुत बड़ी क्वालिटी है एंकरिंग की भी और स्पीकिंग की भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही विल हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एंटरटेनिंग पब्लिक विद सेंस ऑफ ह्यूमर, और आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक को एंटरटेन कर सके बीच बीच में, ऐसा ना हो कि बिल्कुल एंटरटेन ना करे, चुटकुला है, शायरी है ना, कुछ स्लोगन है, कुछ गीत है, बीच बीच में बोलते रहें ताकि पब्लिक जैसे ठंडी होने लगे उसको फिर से आप बूस्ट अप कर दो, कोई शायरी सुना के, कोई चुटकुला या कोई किस्सा सुना के, कोई एग्जांपल सुना के, या जैसे कई लोग रियल लाइफ एग्जांपल भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, मैंने देखा है कि जी और मैं अभी अभी रोड में आ रहा था और मैं जब गाड़ी चलाते हुए आ रहा था तो जब रेड लाइट हुई और मैं क्रॉस कर रहा था तो एक गरीब बच्चे ने मुझे हाथ दिखा के बोला कि अंकल ये आपको सोपता नहीं क्रॉस करने, तो मेरी आंख खुल गई कि देखो एक भारत का एक गरीब बच्चा भी कितने अच्छे से रियलाइज कर रहा है। मतलब एक देखो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा है अभी अभी हाल का जब वो आ रहा था ट्रैफिक से, लेकिन कितना अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। तो कहने का मतलब है इंटरटेनिंग होना चाहिए, उसके लिए आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताई आपको, एक एंकर, एक राइटर और एक स्पीकर की,
पॉइंट्स बहुत सारी हम लिख सकते थे, लेकिन विद इन अ टाइम हमने जो बोला था 9:30 तक करेंगे वो हमने किया, और एग्जैक्ट वही पॉइंट जो लिखा था वो एक्सप्लेन हुआ. तो दैट इज द बाबाज हैंड्स ऑन माई यू नो हेड, देन इट दिस क्वालिटी कम्स ऑटोमेटिकली. और एक बहुत अच्छी स्पीकर की क्वालिटी देखो, मोदी जी ने जो 2014 का इलेक्शन जो जीता हुआ है वो केवल और केवल स्पीच के बदौलत जीता हुआ. मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, उस पूरे इलेक्शन में अगर मोदी जी ने जीता है तो केवल भाषण के बदौलत, अदरवाइज और कोई क्वालिटी नहीं. एक भाषण के चलते आज पूरा सत्ता ही पलट गया. तो सोच सकते हो कि आपके वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है. और दूसरी बात ध्यान रखना है, एज फार एज ज्ञान एंड योग इज कंसर्न, आप जिस भी अपनी कला को यूज करोगे बाबा की सेवा में वो चार चांद को पा जाएगा. अगर आप अपनी मुख को यूज करोगे तो आपके अंदर ज्ञान समा जाएगा, जिव्या में सरस्वती समा जाएगी. तो इसी सुभाषा के साथ धन्यवाद करता हूँ. ओम शांति. ओम शांति सभी को. रोहित भाई जी बहुत सुंदर क्लास. आवाज आ रही रोहित भाई जी? हाँ जी, हाँ जी जी. बहुत सुंदर टॉपिक भी था आज का, और बहुत सुंदर विस्तार पूर्वक और अभ्यास पूर्ण रीति से आपने पीपीटी के माध्यम से इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही विशेषता से, खूबी से रखा हम सभी के समक्ष. और मुझे लगता है कि आपका ये जो सेशन था सभी के लिए बहुत मार्गदर्शक था. वैसे देखा जाए तो तीन इसमें सब्जेक्ट थे, उसकी विशेष एक एक अलग से क्लास होने हो सकती है, लेकिन तीनों विषयों का आपने एक साथ बहुत ही अच्छी तरह से एक माला में उसको पिरोया और बहुत सुंदर रीति से सबके समक्ष रखा अलग अलग उदाहरण देके. तो आपका बहुत बहुत थैंक्स. और आप और किसी के अगर क्वेश्चन रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं वो स्लाइड शेयर भी करूंगा ग्रुप में आप लोगों के लिए, कुछ जो मैंने अपने मंथन से किया. बाकी आप अभी प्रश्न शॉर्ट में पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रश्न लगता है. जी 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 ओके. तो किसी के अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. जी किसी का कोई प्रश्न है? जयंती भाई जी तो पूछ सकते हैं. स्वपन भाई जी. जी जी पूछिए. कभी कभी अगर हम स्पीच दे रहे हैं और उसमें कोई दर्शक ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के उसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे या जबरदस्ती डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे केस में एंकर या स्पीकर को क्या विधि अपनानी चाहिए? बिल्कुल, ये होता है, और ये खासकर आप अध्यात्म में अगर हैं तो जरूर होगा कि आप प्रदर्शनी समझा रहे हैं और कोई जानबूझ के उल्टा फुल्टा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको हमेशा पोलाइट आंसर देना है उसको, जितना आपको आता है, जितना सफिशिएंट है उनको पोलाइट आंसर देना है, और उनको बहुत स्माइल भरी और वाइब्रेशन के साथ उनको संतुष्ट करना है. और मान लो अगर आपको लगता है कि ये समय ज्यादा लेने वाला है या कुछ ऐसा मूडी व्यक्ति है, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि भाई साहब ये आप सेशन के बाद मुझसे पर्सनली मिलना, मैं आपको ये क्लियर करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा और समय भी चाहिए बाकी लोगों का भी समय ध्यान में रखते हुए, अभी मैं आपको शॉर्ट में ये बताता हूँ. इससे क्या होगा, आपकी भी आप अगर नेगेटिव रिएक्ट करोगे तो फंस जाओगे. मैं मीडिया सेवा में जाता हूँ ज्ञान सरोवर में हर साल, तो बड़े बड़े मीडिया वालों से मिलना होता है, ग्रेसिंग ऑफ बाबा, तो कहते हैं रोहित भाई आपके पूरे संस्था में और पूरे ये बीकेज में सिस्टर शिवानी जैसी हमने कोई नहीं देखा. अक्सर करके मीडिया वालों से सब डर जाते हैं, और मीडिया वाले कभी झुकते नहीं है किसी, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु क्यों ना हो. लेकिन सिस्टर शिवानी एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसके सामने हम भी झुक गए. उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था, आंसर देने का तरीका इतना पोलाइट था कि हम उनको हरा ही नहीं पाए. नहीं तो न्यूज एंकर तो सबसे ज्यादा आपका माइंड को चेक करते हैं, आप जानबूझ के उल्टे फुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमारे अंदर बाबा की हेल्प से वो आ जाएगा, और ये इसका सॉल्यूशन है. मैं टीचर एज अ टीचर भी क्या होता है, कभी कोई अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है और मेरे को नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई क्वेश्चन किसी भी जगह से पूछ सकते हैं, मैं कोई बुक तो रटा हुआ हूँ नहीं, अनंत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ क्लास के बीच में अटकता नहीं, हो हा नहीं करता, नहीं तो बेइज्जती होगी. मैं बोलता हूँ बेटा इसको क्लास के बाद पूछना,
क्लास के बाद पूछता अगर तो भी नहीं आ रहा है बेटा कल मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा समय हो गया घर जाना है, या मैं भी मुझे भी देखना पड़ेगा, रियलिटी में उसको बोल दूंगा मुझे भी देखना पड़ेगा मैं आपको फिर बताऊंगा, ये इसका सही मेरे हिसाब से होना चाहिए ऐसा। ओम शांति। जी ओम शांति। पुनः एक अगला बार पूरे मनन चंदन परिवार की ओर से और रोहित कोई भाई जी का बहुत प्रश्न बहुत वगैरह पूछना थैंक्स। चाहे तो, और हेलो जी अभी तो और कोई प्रश्न जी पूछना चाहे तो हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं बात। मयंक भाई, ओम शांति। मयंक भाई पूछ रहे जी। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी हाँ जी मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं 5 to 6 months से बाबा के कोर्सेस अटेंड कर रहा हूँ और कुछ कुछ सीख रहा हूँ। पर जैसे आपने आज क्लास रखा उसमें कुछ मुझे पॉइंट समझ में भी आए, मैंने नोट डाउन भी किए। बट मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे आपने बताया था कि एक स्पीकर के लिए इमेजिनेशन चित्र कला होना बहुत जरूरी है, तो ये इमेजिनेशन अच्छा है या फिर बुरा है? अस एस्पेक्ट हम जब विजुअलाइज करते हैं तब तो हम बाबा को याद करते हैं, बट एक रियल वर्ल्ड में जब हम 4 जनों के सामने खड़े होते हैं तो इमेजिनेशन कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, ये जानना है। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊं, और जीवन का हर एक जो विचार है वो चित्र के बाद आता है, विचार बाद में आता है, पहले चित्र आता है ना। तो चित्रण बहुत जरूरी है,